क्योंकि शिवराज हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज तीन बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तारीखों का ऐलान होने वाला है, आचार संहिता इसके बाद लागू हो जाएगी, इसी के साथ साथ कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग 3 बजे मीटिंग करने वाला है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और यकीनन आज से आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दूं, जो अनुमान लगाया जा रहा है 7 चरणों में यूपी के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है यूपी में, खासकर 7 चरणों में होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो माहौल गर्म हो चुका है, जोरदार सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। जहां कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो गठबंधन कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एक एक लोकसभा पे मोदी और अमित शाह ने खुद निगरानी करके टिकट बांटने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से हैं। इस वक्त हमारे साथ आम लोग भी मौजूद हैं कि उनका क्या नजरिया है, किस प्रकार से जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या अपेक्षाएं हैं और किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे, बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपको सबसे पहले मैं बात कराना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद हो गए हम लोग के साथ हैं, शिवराम सिंह जी, उनसे पहले बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, आप भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, आप लोग की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे लगातार 5 साल तक तैयारी करती है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगातार श्रमिक अभियान के माध्यम से, चाहे लाभार्थी संपर्क योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड वितरण योजना हो, चाहे राशन वितरण योजना हो, उन योजनाओं के माध्यम से लगातार जनता के संपर्क रहते हैं, और जनता के हित के लिए, उनके संतुष्ट के लिए उनके साथ लगातार संपर्क रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक चुनाव के मोड में रहती है। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो पूरे समय अपना काम करती रहती है। हमारे साथ आम लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, हमारे साथ एक महिला है, इनसे बात करेंगे। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर इस बार आम आदमी वोट करना चाहेगा? मुद्दे तो कुछ है नहीं, सारा विकास तो हो ही रहा है, कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। आप देखिए, आप 17 के पहले देख लीजिए क्या था, आज कहां हमारा देश पहुंच गया है। तो विकास तो पूरा भरपूर हो रहा है, और आगे देख जाए कितना विकास हो। तो विकास के मुद्दों पर मतदान करेगी आम जनता? बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर। देखिए, आप क्या क्या जो योजनाएं आई हैं, जो हुए हैं, सबको पता है, तो उसी मुद्दे पे तो हम लोग वोट करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास की बात की जाए तो वो एक बड़ा अहम मुद्दा होगा कि विकास पे आम जनता जो है वो मतदान करना चाहेगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है यहाँ पर, लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, सभी पार्टियां अपनी कमर कसे हुए हैं, आम जनता किस को देख के अपना मतदान करेगी, क्या अपेक्षाएं? देखिए, विकास के नाम पे हम लोग जो है मुद्दा उठाते हैं, और विकास के नाम पे ही वोट सारे हमारे जाते हैं। हम लोगों ने किसी को भी जो है ये नहीं बकता कि मान लीजिए कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सारी चीजें सारी योजनाओं को हम लोग जन जन तक पहुंचाने तक, जैसे अभी हम जो है क्षेत्र में जो है निकलते हैं तो हर एक लाभार्थी से मिलने की कोशिश करते हैं। पार्टी जो है आज बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हो सकता है कि आज आचार संहिता भी लागू हो जाए। क्या लगता है इस बार जो सभी पार्टियों की अगर बात की जाए तो कौन किस प्रकार से तैयारियां कर रहा है? हम किसी और की बात नहीं करेंगे तैयारियां, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी फुल है जी। शिवराज, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है, आचार संहिता 3 बजे के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद लग सकती है। समान जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चुनाव आयोग, और इसी को लेकर के लखनऊ से हमारे साथ निकिता सरीन मौजूद है। निकिता, लगातार चुनाव आयोग जो है आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, उसके बाद आचार संहिता लग सकती है, यूपी में कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, क्या कयास लगाया जा रहा है निकिता? देखिए, बिल्कुल, आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग, और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई चीजें तय हो जाएंगी, जो ऐलान है वह तय हो जाएंगे कि कब डेट्स आ रही हैं चुनाव को लेकर के, और किन किन फेजेस में चुनाव होंगे, क्या कुछ रहेगा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से अब पूरी मेहनत अभी तक कर चुकी है पार्टी, तो अब जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं अब देखने को जरूर मिलेंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश में कब होना है चुनाव, उन सभी की तारीखों के ऐलान हो जाएंगे। कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज चुनाव तारीखों के ऐलान हो जाएंगे, क्या लगता है आप, किस तरह से सरकार बने, कैसी सरकार चाह रहे हैं इस बार आप? देखिए, सरकार जो डेवलपमेंट के इश्यूज को प्रेफरेंस दे और जिसका मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के हो, ऐसी सरकार बननी चाहिए। उम्मीद तो है कि इंडिया गठबंधन भी ठीक ठाक स्थिति में रहेगा, इस बार अच्छा खासा कम्बैट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को। तो सरकार इस बार मुझे लग रहा है मिली जुली सरकार बनेगी, ज़्यादा अभी तो झुकाव मुझे लग रहा है इंडिया के ही पक्ष में जा रहा है। हाँ, इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, पर अच्छा चैलेंज मिले अपोजिशन से, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पांच साल से मोदी सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मोदी सरकार को हम लोग किस तरह से देखेंगे, अभी तक उन्होंने बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं किया है। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जितने भी वैकेंसी आ रही हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं, सब लीकेज हो जा रहे हैं। अभी मैंने आरओ का पेपर दिया, पुलिस का दिया, दोनों पेपर लीक हो गए। तो हम लोगों को आपको फिलहाल लगता है कि अभी रोजगार देने में सरकार को और काम करना है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने सबसे बड़ा अभी जो काम किया है राम मंदिर निर्माण का किया है, क्या लगता है ये कितना जरूरी था, क्योंकि कई सरकारें करना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पाया था? ठीक है, मैं अगर ये तो वैसे सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट है, इसमें सरकार की भूमिका जरूर बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में ज़्यादा रोल पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज़ पे हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा इस बार 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी की तरफ से बहुत जोर शोर से उठाया जाएगा, पर मेरा मानना है कि थोड़ा डेवलपमेंट के और भी इस तरह के मुद्दों को उठाना ज़रूरी है सरकार को, अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक और इस तरह की चीजों। जी, तो सरकार से अब आपको और क्या कुछ उम्मीदें हैं? अब सरकार देखिए, अभी तो आज शायद आचार संहिता की घोषणा भी हो जाए तो कोई जी निकिता, लगातार चुनाव आने वाले हैं और इसी को लेकर के लगातार जनता जो है वो भी अपनी चीजें जो है वो सबके सामने रख रही है। तमाम जानकारी के लिए निकिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार हम आपको बता रहे हैं, कई शहरों से बता रहे हैं। अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ सुशील मौजूद हैं। सुशील, जनता का क्या कुछ रुख है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जनता किस तरीके से सोच रही है, और 3 बजे लगभग चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो किस तरीके से, जैसे योगी आदित्यनाथ के 2 जिलों के दौरे हैं, किस तरीके से जो पार्टियां वो प्रचार प्रसार में लगी हुई है? सुशील देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं, और सभी पार्टियों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से अपने प्रति जो है मत का प्रयोग करने के लिए भी जो है लगातार कवायद कर रही हैं। क्योंकि गोरखपुर की बात है, हम लोगों से ही बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद लेकर के किस तरह से आप उससे देखें चुनाव में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, चुनाव में क्या कुछ जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, ऐसे आम जनता क्या सोचती है? देखिए, आम जनता की सबसे भौतिक जरूरतें हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या बोलते हैं और बेसिक सुविधाएं, जिसको मेन मुद्दा बना के ही चुनाव का वो किया जाता है। बट ये है कि सारी पार्टियां इसकी दावे करती हैं और कुछ पार्टियां हैं जो इस दावे पे खड़ा नहीं उतर पाती है। बीजेपी का तो हमने मतलब अभी तक का जो भी मैनिफेस्टो देखा उसमें मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि आपका 70% तक के मतलब पूरे किए जा रहे हैं, हमारा यही बेसिक होता रहेगा कि स्वास्थ्य का निकाले और शिक्षा ही। अच्छा, चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? क्योंकि चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां आप लोगों के पास आ रही होंगी अब, क्योंकि अभी शाम के बाद से आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद किस तरह का रुख होगा? रुख यही है कि मतलब पार्टियां तो सारी अपने अपने बेसिक स्तर की तैयारियां तो की ही है, बट ये है कि जनता भी आजकल के बहुत जागरूक हो गई है, जिसको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना पहचान खुद कर सकती है कि कौन हमारे बीच का है, क्या हमारे साथ कर सकता है। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जिसको हम एक बार का चुनाव को छोटा मोटा चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कि यही हमारे 5 साल के लिए भविष्य का निर्धारण करता है कि कौन हमारा आगे का क्या कर सकता है। इसमें बहुत बहुत जरूरी है कि मतलब कोई समझ के ही मतदान करें। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं। ये बताइए कि चुनाव की तारीख अब नजदीक है, आचार संहिता भी शाम तक लग जाएगा, ऐसे में आप तो क्या सोचते हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए शहरों में या प्रदेश में? विकास तो देखा जाए तो विकास तो बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने किया है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अभी आप देख रहे हैं कि ममता जी की हालत खराब है, ठीक है, ममता जी की भी हालत खराब हो गई है। ये जो चुनाव प्रक्रिया जो चलती है ना, चुनाव जब चुनाव आता है तो नेताओं की चीजें जो है सामने आती है, आचार संहिता लगने वाली है और डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा हो सकता है आज, लेकिन इतना बता रहा हूँ पूरे भारत में आप कहीं पे भी देखेंगे, कहीं पे भी जाके अगर देखेंगे, हर जगह 4 लेन 6 लेन मेट्रो का विस्तार, मतलब अयोध्या राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे हिंदू धर्म के लिए है अयोध्या राम मंदिर। जी सुशील, इस तमाम जानकारी के गोरखपुर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में लगातार विकास कार्यों की योजनाएं हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं। गोरखपुर में विकास की जो गंगा है वो लगातार बह रही है। इसी के साथ साथ आपने जाना तमाम शहरों का हाल, की लोगों का लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना है। फिलहाल इस बुलेटिन